इसमें मैगी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन और मैगी के पकौड़े। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, 1 हमने मैगी लिया है, 10 रुपए वाला जो पैकेट आता है वो पूरा मैगी का है ये। थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अजवैन, नमक, लाल मिर्ची और गरम मसाला, और थोड़ा सा पानी लेंगे एक डो तैयार करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम मैगी डालेंगे और इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे हाथ से। मैगी को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं इसके। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज, हरी मिर्ची, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें अब हम मिलाएंगे बेसन। और इसमें अब हम ड्राई मसाले मिक्स करेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची कम या ज्यादा हम कर सकते हैं स्वाद के अनुसार, गरम मसाला थोड़ा सा, और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों में लेकर थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका पकौड़ों के जैसे एक डो तैयार करेंगे। पानी एकदम से सारा नहीं डालना है, नहीं तो बेसन अच्छे से मिक्स नहीं होता है। ये मिक्स हमारा रेडी हो गया है, इसको हमें बिल्कुल गाढ़ा ही रखना है, पानी नहीं डालना है इसमें ज्यादा। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें से पोर्शन लेंगे, ऐसे थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से डाल देंगे। एक बार में कढ़ाई में जितने आएंगे उतने ही हम डालेंगे। थोड़ा सा ये जब नीचे से सिक जाएंगे उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये नीचे से सिक गए हैं, अब इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए गोल्डन हो गए हैं। जब ये कढ़ाई में तैर के अपने आप ऊपर आ जाते हैं उसके बाद ही इसको हमें टर्न करना है। अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सिकने देंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको तलेंगे, इसको फुल गैस पे हमें नहीं तलना है। ये दोनों साइड से अच्छे से तल गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए पकौड़े भी सेम हम इसी प्रोसेस में तल लेंगे। ये सभी पकौड़े तलकर तैयार हो गए हैं। इसमें मैगी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।